नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद फरीदुद्दीन सिद्दीकी, NITI9 न्यूज वॉइस ऑफ इंडिया के खबरनामे में आपका खैर मकदम करता हूँ। आइए डालते हैं आज की खबर पर नजर। नाजरीन, खबर के अख्तिताम पर हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, खासकर बेल के बटन को दबाना बिल्कुल ही ना भूले, जिससे हमारे खबर की इत्तला आपको मिलती रहेगी। आइए डालते हैं इस खबर पर नजर। गोलकुंडा पुलिस स्टेशन हुदूद हैदराबाद कमिश्नर टास्क फोर्स वेस्ट जोन ने एक इत्तला मौसूल होने पर कार्रवाई करते हुए गोलकुंडा पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके में अहमद अली खान उर्फ अशरफ के घर पे धावा करते हुए वहां से एक तलवार, दो हथौड़ी, दो चाकू और एक बेसबॉल की लकड़ी को जब्त कर लिया गया। इसके अलावा अहमद अली उर्फ अशरफ, अशू इब्राहिम अली खान, आमिर और जुबेर अली खान को गिरफ्तार कर लिया और इनके साथ ही अकरम अली खान जो फरार बताया जा रहा है। नाजरीन, वाज़े रहा कि अशरफ और इसके साथियों ने 6 जून 2020 को एक दोहरे कत्ल की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद ये दोनों फरार बताए गए, जिसके बाद एक इत्तला मौसूल होने पर कमिश्नर वेस्ट जोन टास्क फोर्स के आमले ने इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन लोगों पर हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन और आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में भी कई मुकदमात दर्ज हैं। वेस्ट जोन टास्क फोर्स के आमले ने इन्हें गिरफ्तार करते हुए गोलकुंडा पुलिस के हवाले कर दिया। गोलकुंडा पुलिस ने इन्हें हिरासत में लेते हुए आगे की कार्रवाई का आगाज कर दिया है। आइए नाजरीन डालते हैं इस खबर पर तफसीली रोशनी, जिसे पेश किया है हमारे नुमाइंदे छांगिर अली ने।